नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचाला यूट्यूब चैनल। यहाँ पर बहुत सी जॉब हम लेके आते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचाला टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं प्रोजेक्ट का जो दिया गया है, प्रोजेक्ट डाटा एंट्री सर्विस, यहाँ पर दिया गया डाटा एंट्री सर्विस, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पदों की बात करते हैं, पद लगभग यहाँ पर 8000 पदों पर भर्तियाँ हैं। और इसको पूरा पढ़ते हैं यहाँ पर न्यूज़ में। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉपी पेस्ट वर्क, जॉब टाइप रहेगा होम बेस्ड जॉब पार्ट टाइम जॉब, जॉब्स ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे डेली और सैलरी रहेगी 3500 से 10000 पर मंथ फिक्स्ड। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, चाहे हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो या एनीवन हो। सेक्शन रहेगा यहाँ पे आपका बेस्ट मैरिट, गूगल टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर जून से आवेदन हो रहे हैं। पहली बात आपको बताएं, 16 जून से लेकर 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, यानी कुछ 10 दिन में है महज बचे इन चीज़ों के लिए। और यहाँ पर जो मैरिट लिस्ट है वो जारी होती रहती है। एप्लीकेशन फीस है 30 रुपये, नॉन रिफंडेबल। और पेमेंट ऑनलाइन की बात करते हैं, यहाँ पर गूगल पे जो भी आप जैसे भी आप इस पर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं UPI ID दे रखी है। एप्लीकेशन 16 जून से लेकर यहाँ पर 30 अगस्त रहेगा लास्ट डेट, जो एक्सटेंड कर दी गई है, इसी कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वैल्ड, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिश करने के बाद मान्य होगा। यहाँ पर ये वैट लिस्ट जो आएगी और जो उसका दिखाया जाएगा ब्यौरा जो भी है, ये जो आती रही हैं। और अब यहाँ पर ये जो आ चुकी है और तो बाकी है, लेकिन कुछ यहाँ पे फिर आनी है। यहाँ पे पहली लिस्ट पे न्यू लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं न्यू लिस्ट पे क्या दिखाया गया है। और यहाँ पर यही आ रहा है, ये नाम आ रहे हैं बच्चों के और जो फोर्ट मैरिट लिस्ट बनी है, ऐसे ही आगे आती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप बहुत बड़ी पदों पर भर्ती है, बहुत से साथ इस पर आवेदन कर रहे होंगे, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, मैं किसी को ना ही तो फार्म भरने से रोक सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। कोई भी आप देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात है, 30 रुपये यहाँ फॉर्म फीस क्या दी गई है, 30 रुपये फॉर्म फीस दी गई है, ठीक है। और 8000 पदों पर भर्ती है, 8000 लोग लेने हैं, तो 8000 तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, 30 रुपये पर फॉर्म आप लगा लेना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2,40,000 तो मोटे मोटे यही हो गए हैं। और फॉर्म भरेंगे बहुत से बच्चे, यानी कि तो घर बैठे इनकम है। अगर आप लोगों को ये काम पर रखेंगे, लेकिन आपसे टाइपिंग करवाएंगे, कैप्चा डालना, ये करना, वो करना, तो आप करोगे, लेकिन आप वो कुछ क्वाइन मिलते हैं और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं, जो डॉलर होता है वो बहुत टाइम लग जाता है, इतने डॉलर होने के से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक ऐड आती। तो ये सिस्टम मैं नहीं मानता कि 8000 पदों पे भर्ती है जो सही रहेगी। और जिन भाइयों ने इसमें आवेदन किया था प्रोजेक्ट डाटा एंट्री सर्विस में और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, तो आपको क्या काम दिया जा रहा है हमें बताइएगा। क्योंकि इस डाटा एंट्री ऑपरेटर की हम स्पेशल पूरे भारत के अंदर वीडियोज बनाते हैं, इसलिए हमें उचित समझा कि आप लोगों को बताया जाए इस बारे में। तो ये आप लोग इस चीज़ की इच्छुक हो तो भर सकते हैं, लेकिन मेरा आइडिया से नहीं, इसमें फार्म नहीं भरना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य से आप कम से कम 50 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ताकि सभी इस वीडियो को आगे भेजें और जो बच्चे इस चुगल में फंसना चाह रहे हैं वो बचें। 30-30 रुपये, यानी कि 1-1 रुपये करके करोड़पति इंसान बन जाता है। अगर कोई 1 करोड़ आदमी 1-1 रुपये देता है, तो 30-30 रुपये देके 30 करोड़ देंगे तो वो कितना पैसा हो जाएगा उनके पास। तो प्रिय साथियों, ऑनलाइन ये जो सिस्टम होता है, बहुत ही कम कंपनी जो होती है जो अच्छा आपका ये काम करवाती है, आपसे अच्छा पैसा आपको देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है और लोग घर बैठे काम करने की सोचते हैं पार्ट टाइम। और वैसे तो 30-30 रुपये में किसी का कुछ जाता नहीं, लेकिन सामने वालों की चांदनी हो जाती है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैं अवश्य बताइएगा।